तो जिस चीज़ का इंतज़ार आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से था, जी हाँ, 20 तारीख और भाई आप लोगों का BGMI का क्या सीन होने वाला है आज के दिन, आपको पता है कल की वीडियो मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी और आप लोग देख पा रहे हो भाई सुबह के 7:30 ऑलमोस्ट बज चुकी है एंड यहाँ पे मैंने अपने गेम को ओपन कर दिया है एंड देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे होने क्या वाला है BGMI के अंदर। तो यस गाइज, जैसा कि मैंने आपको बोला था अपनी वीडियोज़ के अंदर प्रीवियसली कि आप लोगों का जो सीज़न है वो रिपीट होने वाला है, तो C3S7 का जो सीज़न है वो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि रिपीट हो चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके अंदर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलेगा। चलो दोस्तों कलेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो भी रिवॉर्ड वगैरह थे, फ्रेम वगैरह, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो भाई करेंसी था वो यहाँ पे अपने को मिल चुका है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं भाई कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अपने को देखने के लिए मिलता है। जी हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आप लोगों का जो ओल्ड टीयर रिवॉर्ड है वो यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद हम लोग क्लिक करते हैं न्यू जर्नी बिगन्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो वो सिंपली क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे आप लोगों का कुछ टीयर रिवॉर्ड में आप लोगों को यहाँ पे सप्लाई क्रेड वगैरह देखने के लिए मिल रहा है। साइकिल रिवॉर्ड के अंदर चलेंगे तो भाई यहाँ पे कुछ खासा चेंजेस अपने को देखने के लिए नहीं मिलेगा, बस C3S7 आप लोगों को यहाँ पे ओपन दिखाया गया एंड लास्ट में C3S9 दिखाया गया, ठीक है। बाकी साइकिल मेमोरी आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे भाई कुछ नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कट करते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं मतलब जो आप लोगों का मतलब जो आप लोग रैंक पुश वगैरह करते हो ना, मतलब यहाँ पे आप लोगों को जो रिवॉर्ड वगैरह मिलता है, मतलब कि आप लोगों को प्लेटिनम पे, क्राउन पे, एस पे, इस तरीके से जो रिवॉर्ड वगैरह मिलता है ना, तो यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे रैंक पुश वगैरह करते हो तो भाई यहाँ पे आप लोगों को जो मिलता था ना पैराशूट का स्क्रीन, उसके बाद यहाँ पे कुछ जो रिवॉर्ड रहता था वो नहीं मिलेगा दोस्तों। बस आप लोगों को यहाँ पे कॉइन वगैरह, कॉर्नकरर का फ्रेम भी यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब लोग यहाँ पे रैंक पुश किस लिए करेंगे भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब यार BGMI वालों ने क्या किया है मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पे टाइटल मिल चुका है क्योंकि यहाँ पे मैंने भाई आप लोग देख पा रहे हो कि एस मास्टर करा था। C3S7 मतलब भाई सेम ही सीजन फिर से आ चुका है मतलब वापस। एंड RP की बात करो भाई तो वो यहाँ पे लॉक हो चुका है। जी हाँ, एंड क्या दिखा रहा है वो भी मैं आपको बता दूंगा। केडी वेडी सब यहाँ पे जीरो हो चुका है। अच्छी, जी हाँ, मतलब भाई एक तरीके से भाई ड्रास्टिकली चेंज आ गया गेम के अंदर, मतलब बहुत बड़ा चेंज आप बोल सकते हो। मतलब यार लोग अब गेम क्या सोच कर खेलेंगे भाई, यहाँ पे वो जो रैंक पुश भी करेंगे तो भाई यहाँ पे उनको कोई रिवॉर्ड वगैरह भी नहीं मिल रहा, बस यहाँ पे करेंसी वगैरह भी दे रहे हैं, बस यार क्या ही होगा उससे, ठीक है। बाकी रॉयल पास आप लोगों को दिखता होगा दोस्तों लॉक हो चुका है। जी हाँ, 7:30 बज चुके हैं, अभी तक के अनलॉक नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैंने क्लिक किया, जैसे यहाँ पे मैंने RP और न्यू पे क्लिक किया ना, तो यहाँ पे लोग बोल रहे कि प्लीज़ वेट फॉर द न्यू RP टू स्टार्ट काउंटडाउन 29 डेज एंड 23 घंटा। मतलब ये क्या मजाक है भाई, क्या आप लोग क्या 29 दिन के बाद रॉयल पास देने वाले हो, क्या M15 देने वाले हो, मतलब क्या, मतलब भाई मेरे को ये सेंस नहीं लगा भाई, मतलब क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे RP के ऊपर क्लिक कर रहा हो तो द रिक्वेस्ट आइटम इज करंटली अनअवेलेबल दिखा रहा है एंड RP लॉक हो चुका है दोस्तों, ठीक है। एंड मैं यार बहुत एक्साइटेड था कि यार शायद RP आ जाए BGMI के अंदर, ताकि लोगों का जो इंटरेस्ट है गेम के प्रति मिशन वगैरह करके मतलब यहाँ पे गेम में लोग बने रहे। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि भाई ज़्यादा लोग BGMI खेलने वाले, क्योंकि भाई यहाँ पे जो पूरा सिस्टम है वो हिल चुका है दोस्तों, ठीक है। मैं सुबह से उठा हुआ था, जी हाँ, मतलब सोच रहा था कि भाई RP वगैरह आएगा, जी हाँ, सीज़न में मतलब कुछ तो चेंजेस ऐसा होगा जिससे लोग यहाँ पे खुश हो जाएंगे, बट यहाँ पे BGMI ने कहीं ना कहीं क्राफ्टन ने डिसअपॉइंट कर दिया है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है मुझे कॉमेंट करके बताना। एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी ऐसी वैसी ट्रिक देख करके दोस्तों यहाँ पे अपने BGMI अकाउंट के अंदर अप्लाई नहीं कीजिएगा, जिससे आप लोग यहाँ पे रॉयल पास वगैरह लेने के लिए, मतलब हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग आपको फाइल वाइल प्रोवाइड करे, तो प्लीज़ उन सारी वीडियोज़ को इग्नोर कीजिएगा। कुछ भी फाइल वगैरह अपने जो मतलब भाई मतलब फोल्डर में जो आपका इन गेम होता है उसमें मत डालिएगा, वरना आप अपनी ID से हाथ धो बैठिएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या आप लोग BGMI को खेलने वाले हो अभी या फिर नहीं खेलने वाले हो, मुझे कॉमेंट करके बताना। और ये जो आप लोगों का RP लॉक हो चुका है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों, ठीक है। अभी ये देखते हैं दोस्तों कि अगर एक दो दिन के अंदर ये वापस भाई मतलब भाई आप लोगों का लॉक हो जाता है तो अच्छी बात है भाई, अगर कुछ भी इस पर अपडेट आता है तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर कर देना एंड भाई चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना। क्या आप लोग BGMI खेलने वाले हो कॉमेंट करके बताना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय दोस्तों।